आज भी तेरी आदत है मैं चल लिया ना तो क्या टक्कर मारता हाँ का क्या हुआ बढ़िया जगह दिखा के लाई ना मैंने ड्रॉप कर दी थी पढ़ाई और उसके बाद रियल लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा शुरू हो गया था कि लड़ाई तो फिर भी हो ही जाया करती वे कई कई के एक साथ चिपट जाया करते आज मेरी आंखें ठीक होती तो मैं रोहित ने देखता हेलो गाइज वेलकम टू माई ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग चैनल पे। तो गाइज जैसे कि आप सबको पता है लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मेरा एक दिन और बढ़ गया है अपने मायके थैंक्स टू रोहित। और आज हम कुछ गपशप करेंगे पापा के साथ और एक बार मैंने क्यों होया बर्फ जम रही है एसी में हर घर की नहीं कह सकते पर हाँ बहुत घर की कहानी है एसी खराब होते या बर्फ जमन लग जाए एसी पे और फिर यो बर्फ नु टूट टूट के पड़ती रहे हर हफ्ते की कहानी है जब भी खराब हो जाए। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे बात कर चुकी थी आप सबसे कि मैंने और पापा ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी इसी चीज़ के ऊपर कि पापा की आईज को क्या हुआ। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना और अगर नहीं टाइम है वो वीडियो देखने का तो आप इस वीडियो को ही देख लो पूरी और स्किप मत करना। तो शुरुआत करते हैं आपकी अदालत में पिछली वीडियो थी बिल्कुल इमोशनल लेकिन अब की बार हम थोड़ा मस्ती मजाक में चीज़ें शेयर करेंगे तो शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये भाई सबके मन में डाउट था कि पापा देख सकते हैं या नहीं। जिस टाइम पे मैंने वो वीडियो बनाई थी शायद मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे उस टाइम पे और आज के टाइम पे 5K अराउंड है तो 500,000 टच होने को हैं। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मेरे फादर देख नहीं सकते। कितने परसेंट दिखे पापा अपने टोटल 1.5% मुश्किल से देख लो 1.5% पापा को दिखता है। हम हमारी थोड़ी सी भी आँख कमज़ोर हो जाए हमारे कितनी बेचैनी हो जाए हमने या तो पास इंसान मेरे सामने खड़ा है वैसे नहीं दिखता बस धब्बा सा दिखाई दे बस यूं हाँ जैसे कोई खड़ा परछाई थी बस इतना ही दिखा है। और शायद हम मतलब मैं छोटी सी थी और तब से ही मैं यूं देखूं मैंने कभी यूं मतलब हम जब बड़े हुए तो माँ बाप यूं पकड़ के चलवाया करते यार हम तो जब तक हमने समझ आई हमें पापा ने हाथ पकड़ के लेके निकला करते घर तक। पहले तो पापा खूब घूम लिया करते या धीरे धीरे जो पापा की आई साइड थी ना कमज़ोर होनी शुरू होगी मतलब पहले भी थी बट अब बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। तो कोई बचपन की ऐसी बात मम्मी जो आपका आज भी याद हो बचपन की बात एक बात वहाँ याद रहा कर भाई तो पापा बस बैठ जाता ना आदमी कहते किमी मेरी चप्पल बस बाज के ला कर पैर हम पर आया करती चलो मैं पकड़ के चलूँगी। कितनी छोटी थी मैं उस टाइम पे जैसे समझ आई शुरू तो एक होती बिल्कुल शुरू तो 1.5 साल की मैं इतनी समझ आई थी इतनी समझ में थी वो ऐसा समझ आई थी ना जैसे पैर में घुमाऊं था हाँ तो ढूंढा जा चप्पल ढूंढा है अच्छा तो बाद के इधर ठोकर ठाकर लग इधर उधर हो जाए थी तो उठा ले आती है बाद का पैर पर पैर में पर आ गया चलो हाथ पकड़ के चलो सर उसे जैसे आज भी तेरी आदत है पापा ने अपने हाथ में हाथ डाल के लेकर चलेंगी पापा जब हम शाम ने मतलब घुमा करते या किसी भी टाइम पे तो हम कैसे हाथ पकड़ा करते एक उंगली पकड़ा करता बस यूं हमने कहते यूं ना पकड़ा ना हमने नू पकड़ा आज तक भी याद है हमारी यूं पकड़ने की सिर्फ एक उंगली से काम चल गया था उसी में तू कभी भाग लेती कभी रुक जाती मेरी स्पीड बनाए रखती कभी स्पीड मतलब भाग भी लेती तो मैंने क्या भगा लेती भाग भाग दे रोकी दी रोकी आज तो दादी नया सूट ए नया सूट तो पहन लिया लोट फोड़ तो होगी आँख दुखती है ये ठीक होती ना पेट खराब हो गया ए भगवान बुढ़ापा बैरी आवेगा जवानी में
मन तो दो महल बनाए थे मन के वेरा था मेरी खाट कौन मैं गल जाएगी। अच्छा काटे ना दादी तो बेड पे सो है हनी मैं के वेरा था खादर था के वाले पड़ जाएगी। आ दादी हाँ कौन सी पीली आज है हाँ ये भाई इंग्लिश 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 पीली ये के कलाकृति कर दी धागे ते ये लगाई थी हां नस्ते थी हां अच्छी लगे गुड़िया भाई ए भाई दादी नंद कर दी नु के नाचती अच्छी ना लगे थी येलो धागे ते पूरा वो कवर दिया कवर हां दूसरी कौन है हां किस कप्तान भीतर को दूसरा कपड़ा है हां अच्छा था कौन आगे दे भाई ना था कर नहीं भाई नुगे नाचती अच्छी ना लगे थी। उस वीडियो में सिर्फ मैं और पापा थे। अब की बार मैं सबसे मतलब पूछ रही हूँ पुरानी बातें, तो अब की बार अब दादी से पूछते हैं। दादी कोई पापा की पुरानी बात बताओ जो आप नाक खाते रिलेटेड याद हो। पापा कैसे मैनेज करा करते, कैसे दुखी होया करते, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो वो बताओ। किस चीज तो बहुत दुखी होया करता रवि। रवि मन तो दुखी नहीं होया करते भी, लेकिन एक छोटे से के मोती तरह रख लिया था और ये लोग आए नहीं करना के दवाई गाल दे एक एक तो पाए काट फट गए काट एक और सूज की फेक डॉक्टर नहीं थी मदन मन वजन थोड़े के आए फोड़ दी मलाई बंधवाई फिर की ठीक हो गई आए छोटा तो था ना मेरा फटिया ना कम दिखने लग गया तो पाया चल जाना तो क्या टक्कर मारता पढ़ाई कर ली। पर टेंथ क्लास पापा ने दो बार करने की कोशिश करी, पहली बार करने की कोशिश करी तो नहीं क्लियर हुई क्योंकि आँखा ने साथ देना बंद कर दिया था और पापा ऐसी स्टेज पे थे वो जो ब्लाइंड वाली पढ़ाई होती है ना वो भी नहीं कर सकते थे उस टाइम पे और ना वैसी कर सकते थे, तो पापा इस बीच फंस गए कि ना इधर के ना उधर के। फिर भी पापा ने हिम्मत करके चल एक बार और ट्राई करूँ, दूसरी बार क्लियर करने की कोशिश करूँ टेंथ, पर वो फिर भी नहीं कर पाए। उसके बाद पापा ने ड्रॉप कर दी थी पढ़ाई और उसके बाद रियल लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था कि अब तो पढ़ाई भी रुक गई, अब कमाने की भी टेंशन और पापा ने पढ़ाई भी बहुत लेट शुरू करी ना। नौ साल के थे जब पापा फर्स्ट क्लास में थे, तो आखा की वजह तो पढ़ाई भी लेट शुरू करी। मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ खलबली मचती रही पर मैंने कभी भी पापा सैड नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे, दिखाई ना करता कभी। अपने मन ते दो भी नहीं क्या था, बड़े भाई या कुछ पड़ोस पड़ोसी होते कैसे मतलब बिल्कुल ना दिख सका, किताब देखने की कोशिश कराया करता। अभी वो तो उसने अपने पापा ने बूझ ले ही है किस बात का, उसने कोई दुख नहीं माना, काम ही लाड़ कराया करता जो मुझे बेर में लाम नहीं लाग जाता था। दो पर 11 बजे तक 5 बजे तक 11 बजे तक लाम नहीं कराया करते। ये पापा आपने अपनी स्कूल लाइफ में कभी लड़ाई वड़ाई करी है? हाँ लड़ाई तो हुआ ही करती। अच्छा सबसे तगड़ा बच्चा तो मैं दिखाया था क्लास में। अच्छा सारे बच्चे मेरे से नीचे लग गया करते, फालतू तो आप दादा थे क्लास के। हाँ दादा भी क्या सके फिर लड़ाई तो फिर भी हो ही जाया करती, वे कई कई के एक साथ चिपट जाया करते। अच्छा। पकड़ पकड़ घुमा घुमा फेंक जाया करता ही गाँव मैंने बड़े। कौन सी क्लास की बात है ये? प्राइमरी स्कूल की नहीं, कौन सी क्लास? ये दूसरी तीसरी की बात है। दूसरी तीसरी क्लास में आप इतने गुंडे थे। 10-11 साल का नहीं हो रहा था वे छोटे छोटे बने बस साइकिल चलाने की कोशिश करी थी। अच्छा तो बहुत अच्छा रोड है, कभी नया बनाया है पहले, आज तो कुछ खाली रोड पड़ा है चलाऊ बजादी पूरी ते बजादी आग एक खड्डा था कि काट रखा था रोड काट रखा था वो उसमें पहिया जल गया अगला और पिछला पहिया उठ गया दूसरी तरफ जाग पड़े उसमें साइकिल दूसरी तरफ निकल के जाग पड़े और ये पीछे से आवाज लगा रुक जाओ खड्डा खड्डा मैंने सुनी ना फुल बजा गया पलट गया।
तो आप मतलब हल्का दिखे था तो आप इतने कॉन्फिडेंस में साइकिल चलाओ थे, अगर देखी जाएगी जो होगा। खाली रोड बता दिया इन्हें, तो मतलब ठीक है तो सीधा रोड। फिर मतलब मैं अपनी आंख बंद करके चलने की भी कोशिश करूँ ना तो शायद मैं नहीं चल सकती। ये भी एक मतलब कॉन्फिडेंस की बात है कि आप खुद एक बार फील करके देखो, आंख बंद करके देखो और चलने की कोशिश करो, शायद आप नहीं चल सकते। और पापा ने तो साइकिल बूंदी तेरी बजा लेगा। मगर बात तो मौका भगा लेना, रोड पर चलना मुश्किल हो है। खाली रोड पड़ा था, पता ना चला कब स्पीड बढ़ा दी मैंने। और धूप में तो पापा का जो 1% है वो 1% भी नहीं बचता। रोशनी के रोशनी बिल्कुल चली जाए, ऐसा हो जाए बिल्कुल वाइट या बिल्कुल रेड, ऐसा लग। पापा ने बताया एक रेड कलर है, जैसे एक कलर होगा ना उसमें जाले से आ जाए। अच्छा, जाले जाले दिखाई दे, कोई भी कलर आ जाए। और ये बातें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनको सर्च करना भी नहीं आता मेरे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स हर जगह ऐसे हैं, हर किसी को इतना अच्छे तरीके से फ़ोन यूज़ करना नहीं आता कि वो पूरी पुरानी वीडियो उठा के देखे और फिर पता लगे उनको कि हमने इस टॉपिक पे क्या बात करी क्या नहीं। और उस वीडियो में सबसे मेन चीज़ यही थी कि पापा ने एक विश अपनी जाहिर करी थी कि अगर मेरी आँखें ठीक होती तो पापा मैं अपने दामाद को देखना चाहूँ सबसे पहले। दामाद और लड़की दोनों को वीडियो टीवी में देखने का ज्यादा मजा आता है ना फिर देखते हुए। और वैसे भी देखी नहीं मैं तो उसका लग अभी तक। देख लो पापा की आज तक मेरे को तो कोई विश बताई नहीं, पर अब रोहित का लाइफ में आने के बाद इतनी बड़ी इच्छा जाहिर पापा ने करी कि आज मेरी आंखें ठीक होती तो मैं रोहित ने देखता। मेरा भी थोड़ा सा भी शक्ल याद ना पा, कुछ कुछ याद तो थोड़ा सा तो याद है, थोड़ी थोड़ी तो धुंधला ही चेहरा है यार, क्लियर तो कह नहीं सकता ना। फिर वह कई साल हो गए वो बात नहीं कर दी, अब तो बहुत कुछ भूल गया। तो ठीक है गाइस, और बने रहिए व्लॉग में क्योंकि आज हम पापा को दिखाने वाले मूवी। दादी चल लोगे फिल्म देखने? नहीं जाती। क्यों? मामा फिल्म देखिए को ना कदे एक दो बार था दादा ले गया था। वो फिल्म मेरे याद भी को नहीं रहने दे, खूब गाने गाए जाए। वो थार देखा ही थी। अच्छा, और वे एक बार थी ब्रह्मचारी हरियाणा की चंद्रावल, ये दो चार देखी थी। बता सब तेईट फिल्म देखी चंद्रावल। चल आज एक और देख का आऊंगे। ना मैं नहीं चाहती। नहीं देखा, बच्चे देखा करेंगे। मैं भी कहना करूँ। तो गाइस हम मूवी देखने आ चुके हैं और हम देख रहे हैं OMG, जिसमें दांटी नु क्या है 4:10 का शो था, 4:20 हो लिया को तो जा लिया। OMG रह रहा है, OMG देखने जा। पापा एक दो, भीड़ है बहुत ही है, देखो कितनी सारी भीड़ है। अरे ऊपर जाने में भी टाइम लगेगा फिर। हम जद्दोजहद करके पहुंचते गए सही ऑडी था, इधर 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 इधर। अरे इतनी धीरे धीरे जाने लग रहे हैं जैसे हमने मूवी निकलन कर दे रहे ना। पापा सीढ़ी सीढ़ी है, एक दो इंटरवल। कैसी लगी अब तक मूवी? ऐसा क्यों बताओ, फिल्म कैसी लगी? आपत्ति है खड़े खड़े। तो गाइस सिचुएशन क्या है, वहाँ एक लड़का बैठा था, वो ड्रिंक करके बैठा था। यहाँ जितने भी आसपास बैठे हैं ना सबको इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। अभी तो शार उस लड़के को बाहर लेके गए और यहाँ के जो भी स्टाफ उनको बोलते हैं कि भाई आप चेक करके तो भेज सकते हो, फैमिली बैठी है सबकी, इतना अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। मम्मी पहले वहाँ बैठी थी फिर यहाँ में। तो गाइस हम मैनेजर को बुला के उनसे बात करते हैं कि किस मतलब कुछ है ऐसे तो कोई भी कुछ भी करके यहाँ पे घुस जाएगा, फिर फायदा क्या है। भाई ड्रिंक करके आए हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये मैनेजर है ये बोल रहे हैं अलाउड नहीं है ड्रिंक करके आना, तो आप किस बेसिस पे ड्रिंक करके आ रहे हो? वो
में ना बैठे हैं, मैनेजर ने मना कर दिया कि आना बैठना है, ऊपरन कर लेगा ऊपरन बैठ जाएगा, अलाउड ना है ड्रिंक करके बैठना। अरे बावे ना वे अंदर मैनेजर ना भेजे उन्होंने, तीन जने है हमने सोचे ना एक है तीन है भाई, ये मैनेजर है ये हमें यही बोल के गए हैं कि वो ऑडी से बाहर निकाल दिया अब वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं पर हर कोई मारी तरिया ना है सब ने बस जो कोई विरोध करे उसका साथ दे मुझे ले लेंगे बस वो उसके साथ तो असली गलत स्मेल तो तुम लिया होती है उसकी उस बात में समझे जिनका है ना इतना खराब है। हमने मूवी देख ली, हम नीचे आ गए शॉर्टकट में और अब गाड़ी में एडजस्ट हो गए सारे। ए मेरी चिप्स रह गई गाड़ी में, तागे लाई है, चलो खुल गया दरवाजा, चलो वाह गुलाब जामुन के आ गए, सब कुछ फेल है, नुके चाय पीऊ या गुलाब जामुन खाऊ और सोफी नु हो रही है चाहे तुम कुछ करो मेरे से दे दो है सासू का नाम बदनाम मत करो दुष्ट हो रोहित के ब्लॉग में देखा होगा। मैं सोची मेरी गल प्रैंक कर दिया गया कि है ना, दो डबल पेज ब्लैंक थे, मैं कति अलग लागू, मैं तो लागती है ना या मैं हूँ। ये देखो बाय लड्डू, बाय मौसी, कितनी बार बाय करेगी, कितनी बार जाएंगे और आएंगे। दागा मैंने पता था आप कुछ ना कुछ नाम जरूर रखोगे और पापा ने रख दिया दागा। ये देखो गाइस लक्ष्यु क्या लेके आया फाइनली, ओ तेरी कनिका, रोहित, ओहो फैमिली फोटो नाइस। आज मेरी मम्मी की इच्छा पूरी होगी, देख लो एनिवर्सरी आ जाएगी और थोड़े दिन में ही फोटो आया, पर कोई नहीं चलो एनिवर्सरी तो पहले आ गए, देखो फोटोज। कैसी लगी लेडीज की, कितनी गंदी आदत हो टोकने की, कुछ ना कुछ कमी काट दे दे। फैमिली फोटो अच्छी है ना, हम लगा दे ना, देख लो भाई रोहित और कनिका को खड़ा कर दिया मम्मी के ना, मम्मी पापा और ये वाली वहां चली गई है, मम्मी पापा के नजरों के सामने सोते जागते दिल के टुकड़े। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, गोदी उठा रहा था या कंधे में दर रहा था। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गुड बाय। और हाँ इसके बाद का जो व्लॉग होगा सुन ले, इसके बाद का जो व्लॉग होगा वो तुषार के चैनल पे देखना, ब्रो के चैनल पे, तुमने सब के चैनल चला दिए, तुम भाई का चैनल चला दो, यस 1 मिलियन पर।
तो पहले मैं ना पहले गया पहले तो ठीक है गाइस बाय बाय।